अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये मेरा पहला ट्रैवल ब्लॉग है और हम जा रहे हैं फुजैरा। फुजैरा में हमने जाना है फुजैरा वाटरफॉल पे, और अभी हम देखे रास्ते में और ये फुजैरा के माउंटेंस हैं सारे रास्ते में, और बिल्कुल ही मतलब ये ड्राई, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इन पे कोई सच मतलब वो ग्रीनरी नहीं थी। अच्छा, और रास्ते में टनल्स आती हैं जब हम जाते हैं। ये नया रोड बने मलिहा रोड, तो यहाँ से मैं पहली बार गई थी लेकिन तब ये रोड शायद अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट ही जाता है यूएई सॉरी शारजा से। अगर आप जाएँ तो डायरेक्ट ये फुजैरा जाएगा, और ये रास्ते में 5 टनल्स आती हैं इन्होंने मतलब बनाई हुई हैं। ये मुख्तलिफ इनका डिस्टेंस है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, और ये हम फाइनली पहुंच गए फुजैरा वाटरफॉल पे। ये देखें काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और यहाँ हमने पिक्स ली हम सब ने यहाँ रुक के, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू आ रहा था ना, तो बच्चों ने कॉटन कैंडी देखी, फिर इनके लिए इनके बाबा ने कॉटन कैंडी ली। बच्चे खुश थे, अना भी बहुत खुश थी क्योंकि वो उसको मज़ा आता है खेलने में बाहर जाने में। सब बच्चों को खैर, बस वो कहती मुझे अपनी मर्जी से छोड़ दो। हर हम वाटरफॉल के बिल्कुल पास आ गए हैं यहाँ के, ये बिल्कुल इसका नियर व्यू है, और ये वाटरफॉल का पानी नीचे आ रहा था, और बहुत एक अच्छी फीलिंग थी यहाँ पे, क्योंकि वो बिल्कुल ही ना फेस पे पानी आ रहा था। जब वो पानी ऊपर से गिरता है ना तो ऐसे फेस पे आपके आता है, तो बहुत सुकून था यहाँ पे। बिल्कुल गर्मी नहीं थी, सिर्फ वाटरफॉल के पास। खैर, फिर हम यहाँ पे कॉर्निश पे आए, तो कॉर्निश पे तो गर्मी थी, इधर उधर तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि जुलाई का मंथ है। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्निश के पास, ये बच्चे तंग कर रहे थे क्योंकि बच्चे काफ़ी थक चुके थे, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। हमने हार्डीज लिया गाड़ी में ही, बस टेक अवे कर लिया, तो वहीं पे हमने खाया। और अनाबिया तो सो गई थी मेरी बेटी, आज से भी काफ़ी थक गई थी। फिर हमने खा पी के फिर हमने वापसी कर ली, हम भी काफ़ी थक गए थे क्योंकि ख़ुद तो इंसान इतना नहीं थकता, बच्चों के साथ काफ़ी थक जाते हैं। फिर हम वापस आ गए, और रात को तकरीबन हम 10:30 बजे वापस आ गए थे।